आज जो है यहाँ पे प्रेस वार्ता लक्ष्मी हॉस्पिटल के सभागार में बुलाया गया है और इस अवसर पर आप लोग का स्वागत है। और यहाँ पर जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और ख़ास तौर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से हम लोग यहाँ पे 6 मार्च से कोविड-19 के खिलाफ जो है वैक्सीनेशन का यहाँ शुरू किए हैं अपने हॉस्पिटल में। और लगातार संडे छोड़ करके मंडे टू सैटरडे रोज़ यहाँ पे 10 बजे से 2 बजे तक वैक्सीन लगाया जा रहा है। और इसी संदर्भ में हम बताना चाहेंगे कि हम लोग निश्चय किए हैं कि जो है 1 अप्रैल से हम लोग 60 वर्ष से के ज़्यादा उम्र के लोगों को हम जो है उनको निःशुल्क वैक्सीन लगाएंगे दोनों डोज। और इस ये अपना उद्देश्य है कि हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनका हम लोग को सम्मान करना चाहिए और जो ज़रूरतमंद हैं 70 साल के ऊपर उनको भी जो है हम लोग ये वैक्सीन निःशुल्क लगाएंगे। और हम काशी क्षेत्र के जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं उसके नाते भी हमने और जगह भी लेटर से लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग भी जो वहाँ के ज़िले के और महानगर के संयोजक सह संयोजक हैं, एक संयोजक होते हैं, दो सह संयोजक होते हैं, वो लोग चिकित्सक ही होते हैं, तो आप लोग भी प्रयास करके इस तरह का कदम उठाएं जिससे कि ज़रूरतमंद और हमारे बुज़ुर्गों को ये टीका लग सके और वो कोविड-19 से सुरक्षित रहें। क्योंकि कोविड का मौका है, होली का त्यौहार भी है, लोगों को किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है जिससे इस महामारी से बचा जा सके, क्योंकि ये दूसरी फेज चल रही है। जी जी, जैसे कि पहले से कहावत है कि जान है तो जान है, तो जान को बचाने के लिए होली तो खेलना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये महामारी वैश्विक महामारी कोविड-19 का है इससे भी निपटने की ज़रूरत है, उससे भी बचने की ज़रूरत है। तो हम तो कहेंगे कि भाई गुलाब के पंखुड़ियों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के, इवन जो है सब साफ सफाई से होली खेलें और रंग और तरह तरह के केमिकल का उपयोग कभी ना करें, हर्बल कलर का प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात है कि अभी सभी लोग जब वैक्सीन सबको लग जाएगा, सभी लोग जो इम्यूनिटी उनकी डेवलप हो जाएगी, इसके बाद और इतने सालों से होली खेलते आए हैं तो इस साल थोड़ा कम भी होली खेलेंगे या नहीं भी खेलेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जैसे कि रोज पेटल्स होते हैं, गुलाब की पंखुड़ी हैं, हर्बल कलर है, इससे ज़रा सा और किसी को ज़बरदस्ती कलर नहीं लगाना चाहिए और बच बचा के और अच्छे माहौल में होली का त्यौहार मनाना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, इस टीके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इवन गंभीर से गंभीर जो बीमार लोग हैं, जो 20 बीमारियां हैं, उसमें भी उनको प्रायोरिटी दिया जा रहा है, प्राथमिकता दिया जा रहा है कि आप पहले टीका लगा लें, क्योंकि अगर किसी को बीमारी है उसको अगर कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाता है तो वो जानलेवा हो जाता है, तो पहले कोविड-19 से बचना है और उस टीका का, क्योंकि ये किल्ड वैक्सीन है, कभी किसी को नुकसान नहीं करता। थोड़ा हरारत आएगा, किसी किसी को चक्कर आएगा, वो 100 में 1 लोग को आता है, और कुछ साइकोलॉजिकल होता है कि आज टीका लगा है तो इसलिए दिक्कत होता है। और जो भी लोग हार्ट का है, कुछ थिनिंग ऑफ ब्लड मतलब खून पतला करने का दवा खाते हैं, तो अपने चिकित्सक से सलाह ले लें कि हम 2 दिन उसको छोड़ करके फिर टीका लगवा लेते हैं, फिर रीस्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दवाइयाँ ज़रूरी दवाइयाँ हैं। तो जो इस तरह के अगर क्रॉनिक पुराने मरीज हैं वो अपने चिकित्सक से परामर्श कर लें और वो अगर अलाउ करते हैं तो टीका लगाना चाहिए। वैसे सभी लोग अलाउ करते हैं कुछ प्रिकॉशन के साथ। हाँ हाँ, अब ये तो इतना अभी देखिए, ये जो टीका आपको दिया जा रहा है सभी लोगों को, ये एक इमरजेंसी ट्रायल है। ट्रायल 5 से 10 साल चलता है तब ये होता है कि ये वैक्सीन इसके लिए है, लेकिन अभी ये क्या है कि इतना ज़्यादा ज़रूरत है तुरंत, इसलिए जो है सरकार ने इसका इमरजेंसी ट्रायल के लिए टीका लगाना शुरू कर दिया। इसमें बहुत चीज़ें प्रूफ नहीं हैं, लेकिन जब टीका लगता है तो उसके बाद बोला जाता है कि आप लोग कोई भी नशा जो है 2-3 दिन तक नहीं करें, उसके बाद फिर आपको, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट आने वाला, सेकेंड डे आता है, थर्ड डे, 2 दिन बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तो सर,
कोई अभी तक तो कोई रिपोर्टेड नहीं है, जो भी है तो उसको पहले से ही परेशानी था। एक आध केस कहीं सुना गया था कि नहीं, लोग बोले कि वो टीका लगा उनको हार्ट अटैक हो गया, कोई और विदेशों में भी था कि नहीं एस्ट्राजेनिका का क्या साइड इफेक्ट है, थक्का जम जा रहा है, लेकिन ये कहीं से रिपोर्टेड नहीं है। ये ऐसे रिवर फैल जाता है क्योंकि कितने मेहनत से वैज्ञानिक लोग, कई 100 करोड़ रुपया खर्च होता है, दिन रात लगे रहते हैं, तब जा करके ये चीज़ होता है।